दोस्तों, नीदरलैंड से एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर आ रही है कि नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रट, उन्होंने अपना इस्तीफा आज दे दिया है। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट ने आज इस्तीफा दे दिया है। हम उसके कारण जाने, उनके पहले संक्षिप्त में ये देख लेते हैं कि मार्क रट कौन है। मार्क रट एक सबसे लंबे सेवा देने वाले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पिछले 13 साल से नीदरलैंड्स को अपनी सेवाएं दी हैं बतौर प्रधानमंत्री। लेकिन पिछले कुछ समय से दूसरी पार्टियों के साथ उनका जो गठबंधन था, उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, कुछ अनबन था कुछ मुद्दों को लेके, और उसकी वजह से काफ़ी डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे। और आज आखिरकार उन्होंने एक निर्णय किया और ये इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा देने के पीछे जो एक कारण बताया जा रहा है मुख्य तौर पे, वो ऐसा कारण है जो कि आज पूरी दुनिया में एक प्रश्न बन के सभी विकसित देशों के सामने खड़ा है। और जी हाँ, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ काफ़ी क्लियर हैं उस मामले में जो कि इमिग्रेशन से रिलेटेड है। काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी समय से इमिग्रेंट्स के लिए और रेफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स के लिए अपने द्वार खोल दिए थे। इसी के चलते बहुत बड़ा एक ग्रुप और काफ़ी सारे लोग लाखों की संख्या में अलग अलग यूरोप के अलग अलग भाग में जाके बसे हैं। यही एक मुख्य मुद्दा था जिसके ऊपर रट की पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेट अपील पार्टी काफ़ी समय से बाकी की पार्टियों के साथ चर्चा में थे और उनके साथ डिस्कशंस और मीटिंग्स चल रही थी इस मामले को लेके कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं उनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया जाए और इमिग्रेशन एक्सेप्ट करने के लिमिट्स लगाए जाएं। इसके लिए जो मुख्य कारण दिया गया था वो ये था कि असाइलम सीकर्स के लिए जो भी ज़मीन अलोकेट की गई थी वो ज़मीन ऑलरेडी ओवरक्राउडेड हो रही है और नेदरलैंड्स के लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, चाहे वो घरों को लेके हो या फिर व्यवसाय को लेके। और किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो तो उनका पहला प्रेफरेंस हमेशा उस देश की जनता रहती है और उसके बाद आते हैं इमिग्रेंट्स जो कि बाहर से आते हैं कुछ काम करने के लिए और कुछ रेफ्यूजी या असाइलम सीकर्स के तौर पे। इसमें एक बात हमको ये ध्यान रखनी होगी कि जो पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए वहाँ आते हैं, जो इमिग्रेंट्स कंट्रीज़ में एंटर करते हैं वर्क या स्टूडेंट वीज़ा पे, उन लोगों के पास एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है पर्सनल डेवलपमेंट, और उस पर्सनल डेवलपमेंट के साथ होता है कंट्रीज डेवलपमेंट एज वेल, मतलब कि देश का भी उसके साथ उत्थान होता है। लेकिन ये जो असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज होते हैं उनके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है, या फिर कई ऐसे भी हैं जिनका उद्देश्य वो जिस भी देश में जाएं उसमें दिक्कतें पैदा करना ही होता है। जिस तरह से हम कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे कि फ्रांस में हम देख सकते हैं, इसी तरह की परिस्थितियाँ अभी हाल में हिंदुस्तान में कुछ राज्यों के चुनाव में भी खड़ी हुई हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। इसी मुद्दे पर गर्ट विल्डर्स, जो कि एक एंटी इमिग्रेशन पार्टी फॉर फ्रीडम के नेता हैं, उन्होंने 7 जुलाई को ट्वीट किया था कि हमारा देश अफ्रीकन और अरब इमिग्रेंट से फटा जा रहा है। उन लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं और मुफ्त में हमारे देश की सेवाएं और बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और वो लोग उसके अगेंस्ट हमारे ही व्यवसायों पर रेड करके लूट मार करके उसको हमको शुक्रिया अदा करते हैं। तो नेदरलैंड्स के मौजूदा हालात ये हैं कि वहाँ पर कोई भी करंट गवर्नमेंट नहीं है और मार्क रट ने और उनकी पार्टी ने
टेम्पररी, जहाँ तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है वहाँ तक, कैटेगर गवर्नमेंट के तौर पे वहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए समर्थन दिया है। अगला इलेक्शन नेदरलैंड्स में 2025 को होने वाला था, लेकिन इस घटना के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इलेक्शंस बहुत ही जल्द होंगे। इसी प्रकार की परिस्थितियाँ और वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे देश में भी चल रही हैं, जहाँ पर इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज़ और असाइलम सीकर्स दूसरे देशों से आके ज़बरदस्ती हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और हमारे ही बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम भारत की सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का जो भी माइग्रेशन है उसको बंद किया जाए, और उसके ऊपर जो भी इलीगली हिंदुस्तान में आ गए हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट और एकदम तुरंत ही एक्शन लिया जाए। अगर आप हमारे साथ सहमत हैं तो नीचे कमेंट में अपने आंसर्स दे सकते हैं। अगली खबर आने तक जय हिंद।